ये मोल मम्मा ने बनवाया, मम्मी बोली इसको बना लो अपने फेस पे, तुम्हें बहुत नजर लग जाती है। और एक दूसरा वाला पिंक कलर वाला जी, सब लोग हाय बोलो, हाय बस। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति उपाध्याय शंकर। कैसे हैं आप सब, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सॉरी, आज है रक्षाबंधन, तो आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। एंड लुक एट दिस, सुरी ओए सुरी, हाय कर। सो गाइस, मेरा भाई आ गया है राखी बनवाने के लिए मेरे साथ, बिकॉज मैं अपने मायके नहीं जा पाई इस बार ही रक्षाबंधन पे, तो फिर मैंने अपने भाई को बुला लिया था। और मैं जस्ट नहा धो के पूजा करके एकदम फ्रेश हो गई हूँ। अभी हम लोगों ने, मेरा तो फास्ट है, मेरे भाई ने भी फास्ट रखा है आज मेरा। जब तक बहन से राखी नहीं बनवाऊंगा कुछ नहीं पीऊंगा, उसी टाइम भी नहीं पिया सुबह से। अब मैं जा रही हूँ फटाफट से रेडी होने के लिए। और ये ड्रेस मैंने ली है राखी पे, मेरे हस्बैंड ने पसंद की है मेरे लिए। ये है लहंगा स्कर्ट और उसके ऊपर कुर्ती, तो ये हस्बैंड लेके आए हैं मेरे लिए। आई होप आपको पसंद आएगी। ये कलर मेहंदी कलर है और ये स्कर्ट है इसके नीचे, स्कर्ट लाइक फुल लुक में दिखा दूंगी आगे इंस्टाग्राम पे, बहुत से रील्स भी डालूंगी तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सो अब मैं लेट नहीं करती हूँ, फटाफट से रेडी हो जाती हूँ क्योंकि पूजा के लिए लेट हो रहा है, भाई के लिए राखी बनवाने के लिए लेट हो रहा है बेचारा, उसने भी कुछ नहीं खाया। तो फटाफट से मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। सिंपल से रेडी हो रही हूँ, ज़्यादा नहीं हो रही हूँ रेडी, और इसलिए मैं कोई मेकअप शूट नहीं कर रही हूँ, जस्ट मैं नॉर्मल बहुत ही लाइट मेकअप करने वाली हूँ क्योंकि सब घर पे रहने वाले हैं। मेरी जितनी भी नंदे हैं उनमें से छह नंदों में से एक नंद आ चुकी थी कल रात ही, एक कल रात ही आ गई थी और अभी चार आएंगी, एक नहीं आ पाएंगी आज। तो मैं लाऊंगी सबसे वन बाय वन आगे, तो इस ब्लॉग को आगे तक जरूर देखिएगा। फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हे गाइस, सो मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, आप देख लीजिए। मैं आपको मिलाती हूँ मम्मा से, माओ हम आ गई है, भैया आ गया, अब बस मेरे पति देव नहाने गए हैं, वो थोड़ा लेट हो गए। मम्मी कह रही है पर इनको भी नहाने दो, आई थिंक मेरी बिंदी थोड़ी टेढ़ी हो गई है क्या, नहीं सही है। मम्मी बोली पहले इनको भी नहाने दो, फिर क्या नाम है, एक साथ फोटोज ले लेंगे सारे, तो इसलिए अब वो नहाने गए हैं, वो नहा के आएंगे फिर हम फोटोज लेंगे। ये मोल मम्मा ने बनवाया, मम्मी बोली इसको बना लो अपने फेस पे, तुम्हें बहुत नजर लग जाती है। तो इस वजह से मम्मी ने बनाया और अभी मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ, सब कुछ एकदम रेडी है, बस टीका करने की देरी है, तो अभी हम जाएंगे टीका करेंगे। तब तक मैं आपको अपना फोन लुक दिखा रही हूँ, मामा फोन पकड़ो जरा, फोन लुक दिखाऊंगा अपना। लेकिन ना फोन टेढ़ा हो गया, ऐसा ले लो ना, ना नीचे झुकाओ फोन लो। तो गाइस ये मेरा फोन लुक, ये कुर्ती है, ये स्कर्ट है, फोन टेढ़ा हो गया, कैसे कुछ सीखा। लुक, ये दुपट्टा मिला था इसके साथ, एंड दिस इज माय फोन लुक। दीदी हाँ बोलो, हाय। सो गाइस, ये मेरी दीदी है जो कल रात आ गई थी, और ये हैं, और बाकी अभी आने वाली है, कोई आया नहीं है, तो मैं जा रही हूँ राखी बाद में। हम लोग बिल्कुल, अरे इनको तो मिला है, नीचे से आया कर रहे हैं, तुझे आ जा, इधर आ जा, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा। सूरी, ये भी सूरी है दीदी के बड़े वाले बेटे, आओ मम्मी चले, हम जा रहे हैं राखी बांधने।
वो क्या नहीं उसमें हल्का पीकर लगा हाँ थोड़ा सा भिंडी कटी करा अरे आज उंगली से आज मांग रहा और तो देर से पार्ट से गिफ्ट में ये वाला सूट पहनी ये दे पहले दे दिया था नहीं था और क्या नहीं यार क्या और एक दूसरा वाला पिंक कलर वाला एक और है दो लोग खड़े हो सही थे गाइस सो एक दीदी का जो टीका था वो हो गया है और देखिए दीदी ने कितने प्यारी मेरे को राखी बांधी है एक ब्रेसलेट वाली तो एक राखी भी बन गई है अभी एनीवेज वेल मैं आपको दिखा देती हूँ मुझे क्या क्या रक्षाबंधन पे गिफ्ट्स मिले हैं तो मेरा फर्स्ट गिफ्ट है ये
एक बहुत ही प्यारा सा बैग, मुझे बहुत ही पसंद आया, पर्सनली बता रही हूँ मैं आप लोगों का, इस मेरे भाई ने नो डाउट पसंद मैंने किया था, मैं आपको फ्रेंकली बता दूँ पसंद मैंने किया था। उसने मुझे बोला था कि तुम क्या लोगी, तो मम्मी बोली कि मेरी तरफ से तुम एक सूट ले आना, तो ये सूट लेके आई थी मैं मम्मी की तरफ से। तो सबसे पहला गिफ्ट तो बेसिकली ये सूट ही है जो मेरी मम्मा ने मुझे कहा था कि बेटी और दामाद को कपड़े तुम दोनों ले लेना जाकर, तो ये हरमी ने पसंद किया था मेरे लिए, वही लेके पसंद करे में है पूरा का पूरा। तो ये सूट एक तो सबसे पहले मेरी मम्मी की तरफ से, फिर मेरे भाई ने पूछा था तुम क्या लोगी, तो मैंने मुझे इंस्टाग्राम पे स्टोर पे एक स्टोर है इंस्टाग्राम पे, एकांशी कलेक्शन, मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ एकांशी कलेक्शन, उनके पास बैग्स का बहुत ही अच्छा कलेक्शन है, और उस टाइम ऑफ भी चल रहा था कि बाय टू गेट वन फ्री। तो मैं आपको बता देती हूँ मैंने दो बैग्स लिए थे, पसंद मैंने किए थे भाई की तरफ से, जिसमें से मुझे ये वाला बैग फ्री मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ बाय टू गेट वन फ्री में, तो ये वाला बैग मुझे एब्सोल्युटली फ्री मिला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मस्त है। और इसमें जो क्वालिटी, अगर मैं बात करूँ लाइक जिप की ले लीजिए या फिर बैग की क्वालिटी ले लीजिए, इसका कपड़ा ले लीजिए, बिल्कुल एब्सोल्युटली बहुत बहुत ही अच्छा क्वालिटी है। मतलब मैंने सोचा था कि फ्री वाला तो पक्का ऐसे ही होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। मैंने ये बाय किया था, ये है कुछ क्रीम कलर का चैनल वाला बैग, चैनल का लोगो लगा हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं। ये इसका फर्स्ट कॉपी है बेसिकली, नॉट ओरिजिनल, बट क्वालिटी इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है कि कोई कहेगा ही नहीं कि ये फर्स्ट कॉपी है, लाइक इट्स लाइक कम्प्लीटली ओरिजिनल। तो ये एक चैनल का बैग है, और दूसरा बैग मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया था, ये गुची वाला ये मुझे बहुत टाइम से चाहिए था स्लिंग बैग, तो मैंने एक ये ऑर्डर किया था, आप ये देख सकते हो। सो गाइज मुझे ये तीन बैग्स मिले हैं राखी रखी पे इस बार, एक ये एंड सेकंड वन इज दिस एंड बाय टू गेट वन फ्री फ्रॉम माय ब्रदर, और ये सूट मेरी मम्मी की तरफ से। तो इतने सारे गिफ्ट मुझे राखी पे मिले हैं इस बार। तो शूट करने के लिए फिर मैं आ गई थी अब मैं अपने बैग्स को रखूंगी और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, फिर कोई ना कोई अभी दीदी आ जाएंगी, फिर दोबारा से राखी बनवाना स्टार्ट हो जाएगा। सो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगे, एंड तक जरूर देख लेना गाइस, प्लीज प्लीज प्लीज, बाय। अच्छा।
सारी लेडीज ने खा लिया है। छोटो तुम आ जाओ, इधर आओ, हमारे पास आओ, आज हमारे पास आओ, हमारे पास आ जल्दी आओ, आओ तो। छोटो हाय बोलना, हाय, हाय बोलना, हाय। आओ जल्दी आओ, मम्मी, मम्मी ले लिया। हाँ तुम आओ, आओ, आ। गिर जाएगा वो यार। छोटो तुम आओ, तुम आओ, आप बोलो, बोलो हाय। बोलो कैसे हो आप सब? आप कैसे हो सब? कैसे हो आप सब? कैसे हो? बोलो कैसे हो आप सब? अच्छा के ना, मामी के ब्लॉग को जरूर लाइक करना, मामी के ब्लॉग पर बहुत लाइक करना। चलो गाइस, देखो बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कर देना। हाँ चलो बाय, बाद में मिलते हैं। भाई,
हे गाइस, सो बज रहे हैं रात के 12:30, पूरे पूरे 12:30 बज रहे हैं। मैं आपको दिखा भी नहीं सकती, ऐसे मेरे पास अभी कोई फोन नहीं है। और रात के 12:30 बज चुके हैं, सब लोग जस्ट अभी अभी गए हैं मेरे रूम से सोने के लिए अपनी अपनी जगहों पर। ये देखिए मेरी राखियाँ, 6 नंदे हैं मेरी, तो मेरे को टोटल 6 राखी बनी हुई है, जिसमें से एक आनी पाई नहीं, तो एक दिन अपनी राखी मुझे भिजवा दी थी अपनी बेटी के हाथों, तो कनक आई भी थी, कनक राखी लेके आई थी, तो टोटल 6 राखियाँ मेरे हाथ में। और अब हम सब लोग जा रहे हैं सोने, क्योंकि हमें सुबह ऑफिस जाना है मुझे और मेरे हबी को, जैसे कि हमारी छुट्टी नहीं है। मैं जस्ट जा रही थी मेकअप रिमूव करने, 12:30 बज चुका है, तो फिर मैंने जो मेकअप रिमूव कर लेती हूँ, लेकिन मेकअप रिमूव करने से पहले एक बार आप लोगों को थोड़ा सा एंडिंग कर देती हूँ इस ब्लॉग का। सो फाइनली गाइज, आज मैं आज का ये ब्लॉग एंड कर रही हूँ यहीं पर। आई होप आपको आज का रक्षाबंधन का ब्लॉग अच्छा लगेगा। मैंने अपने राखी गिफ्ट्स भी आपको दिखा दिए और अपनी नंदों से भी आपको मिलवा दिया। और दैट्स इट, ऐसे ही होता है रक्षाबंधन का त्यौहार, जिसमें से आज मतलब इतना ज़्यादा यू नो घर में चहल पहल रहती है, बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग आते हैं तो पता ही नहीं चलता। और फिर मेरी मम्मा और मेरे भाई भी आए हुए थे, तो सोने पे सुहागा ही हो गया, बड़ा अच्छा लगता है सब लोग एक साथ होते हैं। तो अभी आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग गाइस। आप लोगों के सपोर्ट के बिना डेफिनेटली हम कुछ भी नहीं है। आप लोग हमारी वीडियोज़ देखते हैं, हमारी वीडियोज़ को पसंद करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, हमारे काम को, हमारी मेहनत को पसंद करते हैं, तो इन सब चीज़ों से यू नो एक मोटिवेशन मिलता है। जितने ज़्यादा लाइक्स आते हैं, व्यूज़ आते हैं, अगला ब्लॉग बनाने का और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ऑल्दो मैं अभी थोड़ा ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पा रही हूँ ड्यू टू माई हेल्थ, बट स्टिल मैं इस मंथ काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर पाई हूँ पहले से। तो मैं ट्राई कर रही हूँ, लाइक मेरी जो अलमेरा बनी है ये, इसका पूरा वीडियो मैं शूट कर चुकी हूँ, बस थोड़ा सा इंट्रो शूट करना रह गया है अलमारी के लिए, वो मुझे शूट करना है। फिर आपको मैं दिखाऊंगी अपनी पूरी अलमारी की, मैंने कैसे क्या बनवाया है, क्या करा है, क्या अलमारी बनी है मेरी, वो सब मैंने शूट कर लिया है बस। तो इस ब्लॉग के बाद जल्दी ही वो वीडियो आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर, एंड अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। बन सके आज के लिए बस इतना काफ़ी है। मिलती हूँ बहुत जल्द नए ब्लॉग के साथ। ऐसे ही प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गुड नाइट, बाय बाय।